आज मैं आपको एक ऐसे फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में बताने वाला हूं जो 1993 के मिस ओलंपिया में सेकंड प्लेस हुई थी और आज जेल में है उनके ड्रग एडिक्शंस प्रॉब्लम की वजह से। वो कौन एथलीट है इसके बारे में आज जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट। जेंटलमैन, मेरा नाम है हर्षल मुदिराज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज बात करेंगे हम ड्रग प्रॉब्लम्स इन स्पोर्ट्स के बारे में, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बॉडी बिल्डिंग एनालिसिस चैनल है। तो ड्रग्स का कितना बड़ा प्रॉब्लम है बॉडी बिल्डिंग में आप तो जानते ही हैं, मैं बस आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा आज। सो दोस्तों, स्पोर्ट्स तो वैसे ही काफी हमेशा बदनाम होता है, क्योंकि कभी ना कभी आप न्यूज में पढ़ते ही हैं कि किसी एथलीट ने एक ऐसे सब्सटेंस को यूज किया है जो बैंड सब्सटेंस होते हैं, केमिकल एनालिसिस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये सारी चीजें बैंड है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एथलीट्स होते हैं जो इनको परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो मीडिया इन पर हावी हो जाता है और उसकी वजह से ना सिर्फ वो एथलीट बट उस स्पोर्ट पर भी एक काला धब्बा लग जाता है। और इसी को आज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग का एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए चूज किया है। थोड़ा सा ये सैड टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें काफी बातें समझ में आएंगी और हो सकता है कि आपकी थोड़ी लाइफ चेंज भी हो सकती है। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में बताने वाला हूं और उस बॉडी बिल्डर का नाम है डेनिस रुडोस्की। सो डेनिस रुडोस्की 90s की बॉडी बिल्डर थी, इन्होंने लेट 90s में कंप्लीट किया था। एक जमाना ऐसा था कि सब स्पेक्टेटर्स को लग रहा था, जो मिस्टर ओलंपिया देख रहे हैं, मिस ओलंपिया देख रहे हैं 90s के दौर में, कि डेनिस रुडोस्की एक फ्यूचर मिस ओलंपिया चैंपियन होगी। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया। सो दोस्तों, जानते हैं थोड़ी बहुत डेनिस रुडोस्की के स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद थोड़े आगे और स्टोरी लेके जाऊंगा। सो डेनिस रुडोस्की को गोल्डन पैंथर कहा जाता था। जैसे आप जानते हैं कि फेमस बॉडी बिल्डर्स को कोई ना कोई निकनेम मिलता है, जैसे ली प्रीस्ट को ब्लॉन्ड बिप कहा जाता है, रॉनी कोलमैन को द किंग कहा जाता है, उसी तरीके से डेनिस रुडोस्की को द गोल्डन पैंथर ये किताब मिला था, ये टैग मिला था। इतनी उनके फैन फॉलोइंग थी, इतना लोग उनको पसंद किया करते थे, क्योंकि अगर आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, मिस ओलंपिया के स्टैंडर्ड से इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट परफेक्ट था। इनका बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू हुआ था 1988 साउथ टेक्सस एनपीसी क्लासिक से। वहां से इन्होंने कॉम्पिटिशन जीता और आगे जाते जाते ये 1993 हैंटेना क्लासिक तक पहुंच गई, जो कि इनके करियर का सबसे बेस्ट विन था। 1993 का हैंटेना क्लासिक जीतते ही इन्होंने मिस ओलंपिया में कम्पीट किया और अपने सबसे पहले मिस ओलंपिया में, यानी कि सबसे प्रोफेशनल डेब्यूट में, इन्होंने सेकेंड प्लेस हासिल कर ली। आप सोच के देखिए कि डेनिस रुडोस्की की फिजिक कितने नेक्स्ट लेवल पे रही होगी कि अपने सबसे पहले मिस ओलंपिया में वो सेकेंड प्लेस हो गई। और सबकी नजरों में आने के बाद सभी को लग रहा था कि फ्यूचर में डेनिस रुडोस्की मिस ओलंपिया तो पक्का जीत लेगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन डेनिस रुडोस्की ने बॉडी बिल्डिंग करियर से अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया। किसी को भी पता नहीं चला कि रिटायरमेंट क्यों अनाउंसमेंट किया था। बाद में यह पता चला था कि डेनिस रुडोस्की को बायपोलर डिसऑर्डर है, ये एक तरह की बीमारी होती है। उसी के साथ 2012 में डेनिस रुडोस्की को अरेस्ट किया गया था टेक्सास में, क्योंकि इन्होंने काफी लंबे समय तक बैंड सब्सटेंसेस को यूज किया था, ड्रग्स को यूज किया था। सो इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट पर भी काफी लोगों ने एक नेगेटिव वे में देखा था कि इसमें बैंड सब्सटेंसेस को एथलीट्स मेल ही नहीं बल्कि फीमेल एथलीट्स भी यूज कर रही हैं। और इसी को देखते हुए मिस ओलंपिया कॉम्पिटिशन बाद में कैंसिल किया गया था। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद मिस ओलंपिया कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। आज 2020 में वापस मिस ओलंपिया कॉम्पिटिशन को लाया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने काफी नेगेटिव वे में वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग को देखना शुरू कर दिया था। सो कुछ लोग हैं दोस्तों जो वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं मेरी तरह, और कुछ लोग हैं जो वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये कंप्लीटली लव और हेट तरह का स्पोर्ट है और अपने अपने परसेप्शंस होते हैं इस स्पोर्ट को देखने के। सो दोस्तों, ये एक काफी ट्रेजेडिक स्टोरी थी डेनिस रुडोस्की के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपना खुद का करियर फिनिश कर दिया एक
सेकेंड प्लेस पे आने वाली कंटेंडर ऑल ऑफ अ सडन बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर देती है और आज वो जेल में है उनके ड्रग एडिक्शंस की वजह से। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना नहीं था कि मैं आपको डेनिस रुटोस्की के बारे में बताऊं, मैं खुद आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप भी ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम में फंस चुके हैं या अगर आप ऐसे किसी एथलीट को जानते हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, बैंड सब्सटेंसेस को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कुछ रिसर्च करता हूँ, मैंने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट है कि आज 6-7% एथलीट्स बैंड सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप पर डे एक मेल को देखें कि कितना अल्कोहल वो कंज्यूम करता है, तो पर डे 6.1 लीटर के अल्कोहल आज लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आज कुछ ऐसे लोग हैं, ऑलमोस्ट 6-7% ऐसे एथलीट हैं जो बैंड सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। आप लोग मिस्टर ओलंपिया के फैन हो, मुझे पता है कि आप मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप हमेशा देखते हैं और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा इसको हमेशा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से गाइडेंस से तैयारी है। सो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे एथलीट को जानते हैं, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम में फंस चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। ये नंबर है होप ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ये इंडिया में भी काम करते हैं। 2002 से इन्होंने अपना काम शुरू किया था और ये एक तरीके से ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है। सो अगर आप किसी को भी जानते हैं कि जो ड्रग्स में फंस चुके हैं, तो प्लीज़ उनको कहिए कि होप ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करें। एंड प्लीज़ आप इस बात की नोटिस रखिए, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं होप ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, मैं खुद अपने दिल से चाह रहा हूँ कि आप लोग का भला हो। सो अगर आप ड्रग्स के मामले में नहीं भी फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि इंडिया में लोग कितना ड्रग्स को यूज़ करते हैं, किस ड्रग की वजह से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी आप इस साइट के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप होप ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्लीज चेकआउट कीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी वेरियस सब्सटेंसेस के बारे में जानने की और उसको किस तरीके से लोग आज यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, आप जान सकते हैं। सो दोस्तों, ये था वीडियो डेनिस रुटोस्की को लेके जो आज जेल में है और आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत हो गई है, इनके फेशियल हेयर्स आ गए हैं, तो इनका पूरा जेंडर चेंज हो चुका है ड्रग अब्यूज की वजह से। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, अगर आपने कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको सच में हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। So please do subscribe the channel guys, thank you for watching my video, thank you for your time, I am Arshan Mudiraj, peace out.